अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज अनीबा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज है फिर से एक मूवी रिव्यू वीडियो और मैं सोच रही थी कि एनिमल मूवी जो रणबीर कपूर की आ रही है उसका मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत जबरदस्त मूवी लग रही थी, मैं सोचा था वो देखूंगी। लेकिन अभी जब मैं उसकी बुकिंग कराने लगी तो मुझे पता चला कि अभी रिलीज ही नहीं हुई है, उसकी सिर्फ एडवांस बुकिंग चल रही है। तो इस वक्त मैंने कहा एक और मूवी आई हुई है जो कि बड़ी अच्छी ब्लॉकबस्टर हुई है, 400 करोड़ का ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी है, दैट इज टाइगर 3। तो मैंने कहा ये एक्चुअली दिवाली पे आई थी तो मैं थोड़ा लेट ही देख रही हूँ, लाइक 1 वीक लेट देख रही हूँ। तो आज मैं आई हूँ सिटी सेंटर शारजा में और यहाँ पे हम मूवी देखने जा रहे हैं टाइगर 3। मैं देखती हूँ, इसको रिव्यू करूंगी और फिर आपको बताती हूँ कैसी लगी, आपने देखनी या नहीं देखनी, इस पर पैसा खर्चा करना है या नहीं करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सिटी सेंटर शारजा को चूज करने की वजह ये है, वैसे तो मैं दुबई में रहती हूँ लेकिन मैं दुबई से सिटी सेंटर शारजा मूवी देखने इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ की जो सीटिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर सिनेमाज, तो मुझे यहाँ की सीटिंग्स बहुत पसंद है। वॉक्स सिनेमा में हम देख रहे हैं। सिटी सेंटर शारजा अच्छा बड़ा फेमस मॉल है और यहाँ पे बड़े ब्रांड जितने भी नोन फेमस ब्रांड्स हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। और इस वक्त तो व्हाइट फ्राइडे सेल चल रही है, हर जगह पे 50-70% ऑफ लगा हुआ है, तो अगर आपको परचेजिंग करनी है तो आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स हैं। तो मूवी जो है वो मैंने ऑनलाइन बुक करा ली थी तो इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत लेट भी गए तो चलता है, और मूवी ऐसे भी 10-15 मिनट लेट ही स्टार्ट होती है, बैठने में टाइम लगता है। तो मैंने बुकिंग वगैरह सब पहले करा ली थी, 5:10 पे मूवी है और इस वक्त बज रहे हैं 5:05। तो अभी मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न और ड्रिंक वगैरह लेने क्योंकि बगैर कुछ खाए पिए ना मूवी देखने का मज़ा नहीं आता। ऑनलाइन बुकिंग से यही फ़ायदा होता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, बस आप अपना QR कोड स्कैन करा के अपना जो भी फूड है वो ले सकते हो, सीट्स आपने अपनी मर्जी की बुक करा ली होती हैं और फूड एंड बेवरेजेस आपको सस्ते पड़ते हैं अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हो। तो ये आ गए पॉपकॉर्न जो कि मैंने मिक्स करवाए हैं कैरमल विद पिज्ज़ा फ्लेवर, और मैं ज़्यादा करके कैरमल ही खाती हूँ तो मैंने 70% कैरमल डलवाया है और 30% जो है वो पिज़्ज़ा फ्लेवर डलवाया है। अब वॉक सिनेमा के अंदर भी अलग अलग थिएटर्स हैं जिसमें एक जो मैं चुनती हूँ वो है मैक्स। मैक्स इसलिए एक तो उसकी सीटिंग बहुत लग्जरियस है, दूसरा उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, लिटरली ह्यूज स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से इसके पैसे भी जरा ज्यादा है, नॉर्मल टिकट से 10 दरम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं मैक्स सिनेमा के लिए। और ये रही वो मूवी जो मैं देखना चाहती थी लेकिन ये अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसे मैं बाद में देखूंगी। यूं तो मूवी का टाइम 5:10 था लेकिन मैंने आपको बताया कि 15-20 मिनट्स लेट ही स्टार्ट होती है, तो मीनवाइल तब तक एडवर्टाइज चल रहा था, एडवर्टाइज में भी ये एनिमल मूवी ही दिखा रहे थे जो अब आने वाली है 1 दिसंबर को, और ये मैं जरूर देखूंगी। ये जो चल रहा है इस वक्त उसी का ट्रेलर चल रहा है, मैं इसका भी रिव्यू आपको लाजमी दूंगी। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं, ले रही है। हमारा एक एजेंट लापता है, पिछले 2 सालों से वो तालिबान और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। मूवी का गुजर चुका था फर्स्ट हाफ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर भाग जाऊं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड मूवी थी फर्स्ट हाफ तक, तो मतलब सलमान खान ने अपनी तारीफें और सिनेमेटिक मूव्स के अलावा और एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया, कोई स्टोरी लाइन थी ही नहीं। तो यहाँ इंटरमिशन के टाइम में लेने आई हूँ अपने लिए चाय और समोसे, एंड चाय इस वजह से क्योंकि आई रियली नीड चाय ताकि मुझे जगा सके क्योंकि अब तक तो मैं सो रही हूँ मूवी में। एंड फाइनली मूवी हैज टेकन एन अमेजिंग टर्न, यहाँ पर आ गया है शाहरुख खान का कैमियो जिसने डाल दी है जान मूवी में, बहुत ही ऑसम कैमियो यार, मतलब पूरी मूवी का क्रेडिट अगर मुझे देना हो तो मैं कहूंगी ये 20 मिनट्स का कैमियो जो है ना वो पूरी मूवी पे भारी पड़ गया है।
अच्छा, शाहरुख की अपेयरेंस में बहुत सारे सीन्स जो थे वो पठान मूवी से लिए गए थे, यानी पठान मूवी में सलमान ने जो कैमियो किया था उसमें जो सीन्स थे साथ में, एग्जैक्टली सेम सीन्स को दोबारा रिक्रिएट किया गया एज अ शाहरुख कैमियो इन टाइगर 3। शाहरुख के अपेयरेंस के बाद मूवी के अंदर पड़ गई जान, स्टोरी लाइन फिर भी ऐवें ही थी, बिल्कुल बिना सर पैर की थी, लेकिन अगर आपको एक्शन पसंद है तो उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि एंटरटेनमेंट का फैक्टर जरा बढ़ गया आफ्टर शाहरुख अपेयरेंस। भी अगर 10 मार्क्स में से देना पड़े ना तो 9 मार्क्स तो सिर्फ शाहरुख खान का कैमियो ले जाता है, उसने पूरी मूवी में जान डाल दी है। अच्छा जी, तो मूवी हमने देख ली है, अब बात कर लेते हैं रिव्यू की। मूवी इन द फर्स्ट हाफ इज अ बिट भी नहीं कहूंगी, अच्छी खासी बोरिंग, और आपको लगेगा कि यार इंटरमिशन में ही चले जाते हैं या फिर अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो जलीली से आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन आफ्टर द शाहरुख कैमियो मूवी बिकेम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो वो कैमियो अपने आप में बहुत मजे का है, लेकिन उसके बाद मूवी की स्टोरी लाइन भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले पहले सिर्फ एक्शन सीन्स हैं और स्टोरी लाइन नहीं है उससे पहले कोई खास, लेकिन असल स्टोरी लाइन जो है वो मूवी के बाद स्टार्ट होती है, इंटरमिशन के बाद स्टार्ट होती है एक्चुअली में, तो इंटरमिशन के बाद मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो सलमान खान की मूवी है, स्टोरी लाइन थोड़ी अहमकाना होना तो बनता ही है, बेवकूफाना होना तो बनता ही है। मतलब ये कि इसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को तो मतलब बेकार बताया है कि वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब 2 इंडियंस मिलके पाकिस्तान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह कर देते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं और पाकिस्तान में कोई उसको नहीं बचा पाता। एंड एट द एंड 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को इंडिया का नेशनल एंथम ट्यून बजाया जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाते हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई इसको नहीं बचा पाया, मतलब बेवकूफाना वाली बात, लेकिन वी आर नॉट सरप्राइज बिकॉज सलमान खान की मूवी है तो बेवकूफाना स्टोरी लाइन होना तो बनता ही है। सलमान खान की मूवी उसकी बॉडी की वजह से बिकती है, उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से बिकती है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, वो तो एक फैक्ट है। अच्छा जी, तो टाइगर 4 भी लाजमी आएगी, ये हमें कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि मूवी के एंड में बताया गया है कि अब कोई एक नया एनिमी जो है वो खड़ा हो गया है। कमाल की बात यह है कि हीरो जो है वो किसी मूवी में नहीं मरता, उसको कुछ नहीं होता, अनरियलिस्टिक सी अप्रोच है, लेकिन हर मूवी में एक नया विलन पैदा हो जाता है और वो बहुत खतरनाक होता है और फिर हीरो उसे मार देता है। तो अब वो खैर एक और नया विलन पैदा हो गया तो उसका बताया गया, तो जिससे पता चल रहा है कि टाइगर 4 भी लाजमी आएगी। और स्पॉइलर अलर्ट हेयर, वो विलन जो है उसका नाम कबीर है और वो है ऋतिक रोशन, जिसको दिखाया गया, जस्ट उसका फर्स्ट विजुअल दिखाया गया, काफी प्रॉमिसिंग विजुअल है वो जो लग रहा है उसमें, मतलब ही लुक्स रियली 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 लाइक गुड और वो काफी प्रॉमिसिंग सा वो विजुअल है एंड का। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ, जो भी मैं देखने जाऊंगी उसके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।